अगर आपको यूरिन बार बार आता है, दर्द के साथ आता है या जलन के साथ आता है, इसका मतलब है कि आपको यूरिन की इन्फेक्शन है और आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रابطہ करना चाहिए। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। मैं पिछले 20 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के दौरान यूरिन की इन्फेक्शंस क्यों हो जाती हैं और इनका क्या इलाज किया जा सकता है। जो बड़ा ही कॉमन सिम्टम है कि पेशेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं कि उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, यानी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यूरिन करते हुए जलन महसूस होती है, या वो दर्द महसूस करते हैं, या उन्हें यूरिन आ रहा होता है और वो कर नहीं पा रहे होते, या कतरों की सूरत में वो यूरिन कर पाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ही इंडिकेट करते हैं, चूँकि ये सबसे कॉमन कॉज है ये सिम्टम्स का। ऑल्दो के प्रेगनेंसी में वैसे भी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन अगर दर्द और साथ जलन का एलिमेंट या ऑल ऑफ अ सडन अचानक ही एकदम से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन भी मौजूद है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो बेहतर ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रابطہ करें। इसको देखने के लिए, इसको कंफर्म करने का टेस्ट बहुत आसान है, सिंपल यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है। अगर उसमें इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाती है तो फिर उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाया जाता है। कल्चर और सेंसिटिविटी करवाने का फ़ायदा ये होता है कि हम एक्यूरेट एंटीबायोटिक दे सकते हैं आपको, चूँकि प्रेग्नेंट फीमेल्स में हर तरह की एंटीबायोटिक हम नहीं दे सकते हैं और बार बार एंटीबायोटिक देने का भी नुकसान होता है। सो बेहतरीन तो यह है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से रابطہ करें, चेक करवाएँ, और अगर उसमें इन्फेक्शन आती है तो अप्रोप्रिएट जो प्रेगनेंसी सूटेबल एंटीबायोटिक है वो ले लें, और उतने दिनों के लिए लें जितने रिक्वायर्ड है, यानी 5 से 7 दिन के लिए। यूटीआई अगर प्रेगनेंसी में हो तो उसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर ये इन्फेक्शन हम ट्रीट नहीं करते हैं तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाती है गुर्दों तक, और फिर ज़्यादा सुवेयर डिजीज़ में या ज़्यादा सुवेयर कंडीशन में एंड अप करते हैं, इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा वक्त से पहले डिलीवरी का सबब भी हो सकती है, और इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ के इश्यूज़ भी इसके साथ अगर रिपीटेड किसी को यूटीआईज़ होते हैं तो हो सकता है। तो इसलिए इसका बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी प्रॉब्लम यूरिन की लोगों को फेस होती है वो है कि यूरिन का पे कंट्रोल नहीं रहता और यूरिन निकल जाता है। दो तरह की ये कंडीशंस होती हैं, एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, दूसरी अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। यानी या तो खांसी के साथ या कोई पेट का प्रेशर बढ़ने के साथ ये होता है कि यूरिन खुद ब खुद लीक कर जाता है, ये सबसे कॉमन कंडीशन है। दूसरी ये होती है कि वॉशरूम जाने तक पेशेंट को इतनी ज़्यादा अर्ज होती है कि वो वॉशरूम नहीं पहुँच सकता और पहले ही यूरिन लीकेज हो जाता है। प्रेगनेंसी में ये कंडीशन थोड़ी इंक्रीज़ कर जाती है। सो अगर आप ऐसी कंडीशन से दोचार हैं तो अगेन अपने डॉक्टर से रابطہ कीजिए। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेडिसिंस तो नहीं दी जाती, लेकिन आपको कुछ ऐसी रेमेडीज़ ज़रूर बताई जाती हैं जिसकी वजह से सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। कीगल एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि वो जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं, जिस तरह आपकी बाकी बॉडी में मसल्स होते हैं, इस तरह आपके पेट के निचले हिस्से में भी मसल्स होते हैं जो कि निचले ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब ये वीक होना शुरू हो जाते हैं तो ना सिर्फ बच्चेदानी नीचे आना शुरू होती है बल्कि मसाना भी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं रहता जो पहले था। सो जब आप ये कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो एक्चुअली आप उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, और फिर वो आपकी ये कॉन्टिनेंस जो यानी पेशाब को रोकने की सलाहियत को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हम ये बताते हैं कि कैफीनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे कॉफ़ी है, कोक वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हम कहते हैं कि काम ले, चूँकि ये भी मसाने को स्टिमुलेट कर रही होती हैं। पानी के इंटेक के बारे में भी हिदायत दी जाती है कि अच्छा कितना पानी आपने लेना है, क्या आया शाम के बाद लेना है कि आपको रात को बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े। और प्लस हम ये कहते हैं ब्लैडर डायरीज मेंटेन करने के लिए भी कहते हैं कि अच्छा अगर जितनी बार लीकेज हुआ है उसको भी मेंटेन करते जाएं और इंटरवल भी बढ़ाते जाते हैं वॉशरूम जाने का। इसे ब्लैडर ट्रेनिंग कहते हैं। ये बाकी वो चीज़ें जो दवाई के अलावा भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आपके इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड्स को कम करने के लिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट से या मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू से हमसे रابطہ कर सकते हैं। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।